हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई आज हम अपने सामने देख रहे हो, हमारे सामने आ रखी है भाई पंच, और ये है भाई पंच का बेस मॉडल, और इसके अंदर भाई आज हम कर रहे हैं मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में बात करोगे तो एंड्रॉयड से लेके भाई पूरी किट वगैरह, जो बेसिक किट वगैरह होती है, सारी कुछ इसमें चीज़ें लगा रहे हैं। तो भाई वीडियो में आगे बने रहो, सारी चीज़ें इसमें दिखाता हूँ, क्या क्या चीज़ें अपनी क्या क्या प्राइसिंग पे लग रही है, तो वीडियो को एंड तक देखना कैसा कुछ लगेगा। तो बाकी यहाँ पर आप देखो सारे डोर्स वगैरह खुल रखे हैं, अंदर के पार्ट्स वगैरह देख लो कैसे कुछ गाड़ी भाई रफ सी है, और सारा इसमें भाई चीज़ें अभी वायरिंग वगैरह जो बात करोगे ना तो वो इंस्टॉल हो रही है अभी, और डैम्पिंग वगैरह इसके अंदर अभी कोई नहीं होगी क्योंकि भाई वैसे ही डोर्स इसके अपने हैवी आते हैं। बाकी कपलर टू कपलर अपनी फिटिंग हो रही है, सारी वायरिंग वगैरह डाली जा रही है, मैक्सेल के अपने स्पीकर्स इसके अंदर कोएक्सियल स्पीकर्स डाले जा रहे हैं, जिसकी भाई मैग्नेट वगैरह देख लो और भाई स्पीकर्स वगैरह देख लो, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के अपने इसके स्पीकर्स आ जाते हैं। सीट कवर वगैरह की बात करोगे तो यहाँ पर कोई सीट कवर वगैरह नहीं है, तो सीट कवर वगैरह भी इसमें इंस्टॉल करेंगे, मड फ्लैप वगैरह के साथ, तो सारी चीज़ें जो बेसिक एक्सेसरीज होती है सारी बेसिक एक्सेसरीज इंस्टॉल करेंगे। बाकी जो भाई बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं विथ कंपनी की, तो वो भी चीज़ हम इसके साथ लगाएंगे। तो एक बार भाई आप साथ के साथ देखो, फिर उसके बाद बताना कैसा कुछ अपना काम निकल के आया है, और प्राइसिंग वगैरह भी लास्ट में वीडियो के बताऊँगा कैसी कुछ अपना प्राइसिंग वगैरह रहती है और क्या कुछ प्राइसिंग अपनी जाती है। तो अभी भाई साथ के साथ बने रहो, वीडियो में आगे भी आपको पूरा काम चेकआउट करा दूंगा। बाकी अभी सारी पूरी अंदर बाहर से रॉ कंडीशन में आपको मैं गाड़ी दूँ। बाकी यहाँ पर एक अपनी स्कॉर्पियो एन भी है, उसका भी मैं साथ के साथ आपको लुक चेकआउट कराता हूँ। तो ये भाई अपना स्कॉर्पियो एन अपना Z6 वेरियंट है, जो बेस से अपना ऊपर वाला वेरियंट होता है वो वाला वेरियंट है ये अपना, और इसके अंदर हमने क्या क्या मॉडिफिकेशन करी है तो भाई वो भी टॉप मॉडल वाली करी है। जैसे टॉप मॉडल में आप देखोगे ना तो सीट कवर आते हैं 10 कलर में, तो 10 कलर में इसमें देखोगे तो सीट कवर डाले हमने जो प्रॉपर टॉप मॉडल के से रहने वाले अपने, और प्रॉपर भाई जो प्राइसिंग की बात करोगे ना अपनी सबसे कम प्राइसिंग में इसके अंदर हमने ये डाली है। बाकी नीचे मैटिंग वगैरह देख रहे हो तो MLF की प्रॉपर H2 एज वाली मैटिंग अपनी इसके अंदर करी है, जो कि लाइफ टाइम वारंटी के साथ आती है। पीछे तक हमने इसमें पूरी मैटिंग करी है, जो कि अपना 7 सीटर की आती है, और भाई प्रॉपर स्कॉर्पियो N की ही होती है, पर्टिकुलर गाड़ी की ही आती है ये अपनी। और अपना जो सीट कवर वगैरह की लुक है, पहले स्टीयरिंग कवर चेक करो आउट करो, ये अपना स्माइली वाला हमने H2 एज वाला स्टेयरिंग कवर इसमें सीला है। इसमें आप कोई भी कलर करवा सकते हो, कस्टमर ने बोला कि भाई मुझे यही वाला कलर चाहिए, तो हमने ये वाइट और ब्लैक में कलर डाला है। और साथ के साथ अपना ये चीज़ देख लो, कोई रिंकल्स वगैरह अपने हैं नहीं कोई सीट कवर पे, फिनिशिंग वगैरह कैसी कुछ निकल के आई है वो भी चीज़ आप चेकआउट कर सकते हो। तो अभी एक बार साथ के साथ दिखाता हूँ, Z6 वेरियंट है ये अपना, इसमें कोई सीट कवर वगैरह कंपनी से आता नहीं, फैब्रिक की सीट्स आती हैं। अब प्रॉपर हमने लेदर की सीट्स वगैरह डाली हैं, स्कॉर्पियो एन के डोर वाइज़र वगैरह लगाए हैं जो कि प्रॉपर अपने क्रोम वाले रहने वाले हैं, तो ये भी चीज़ आप साथ के साथ चेकआउट करो कैसी कुछ है। अपनी विंडो गार्निश वगैरह इसके अंदर हमने लगाई है, आगे से भी भाई फ्रंट से भी लुक देख लो, Z6 वाला अपना वेरिएंट रहने वाला ये। और भाई कुछ भी अपने सीट कवर वगैरह इसमें नहीं आते, तो सीट कवर वगैरह भी अच्छे तरीके से इंस्टॉल किया है। बाकी पंच की तो आप वीडियो देख ही रहे हो, पंच में भी हमने भाई सारा कुछ अपना काम कर रहे हैं। अब भाई यहाँ पर देख लो मैटिंग इसके अंदर भी हो रही है, MLF वाली मैटिंग जो बात करोगे ना, प्रॉपर MLF वाली इसके अंदर हमने मैटिंग लगाई है, जो कि ये भी पंच की आती है, हर गाड़ी की स्पेसिफिक अपनी मैटिंग आती है, तो ये भाई अपनी हमने पंच की लगाई है इसके अंदर जो मैटिंग वगैरह होती है। और साथ के साथ बात करोगे पीछे से भी आप लोग वगैरह चेकआउट कर लो, तो अभी भाई उतना काम हुआ नहीं है, होते होते रात हो गया। अब भाई ये हमारे पास नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे भाई गाड़ी खड़ी है, और गाड़ी में दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हमने लगा दी हैं सारी चीज़ें। तो एक बार भाई गेट बंद करके फिर आपको चेकआउट कराता हूँ। तो सबसे पहले इसमें आगे फ्रंट से आप देखो तो DRL लगाई है, जो ऊपर वाले में हेलोजन बल्ब आता है उसको हमने LED करा है, ताकि भाई प्रॉपर DRL बन सके। और एक हमने आफ्टर मार्केट DRL भी लगाई है, क्योंकि कस्टमर को रिक्वायरमेंट थी, जिसके अंदर प्रॉपर मैट्रिक्स स्टाइल में इंडिकेटर भी चलते हैं। नीचे अपने मिंडा के फॉग लैंप भी इंस्टॉल करे हैं, जो कि प्रॉपर टॉप मॉडल में आते हैं। इसमें चाहो तो आप LED वगैरह चेंज कर सकते हो, तो अभी हेलोजन सेटअप ही हमने इसके अंदर पूरा रखा है। इन फ्यूचर इसके अंदर LED वगैरह अपग्रेड करेंगे तो वो भी आपको चेकआउट कराएंगे। तो अभी इंडिकेटर का लुक देख लो, प्रॉपर आपको कहीं से लगेगा नहीं कि आफ्टर मार्केट लगाई है। और भाई इसमें अगर आप चाहो तो अंदर कंपनी की इनबिल्ट वाली भी लगा सकते हो। साइड से बात करोगे तो विंडो गार्निश हो गए, डोर वाइज़र हो गए, डोर वाइज़र भी हमने प्रॉपर क्रोम लाइनिंग वाले लगाए हैं इसके अंदर। विंडो गार्निश हमने प्रॉपर गैलियो की लगाई है, टॉप मॉडल वाली। अपना हैंडल कवर्स इसके अंदर हमने लगाए हैं पियानो ब्लैक फिनिश में, कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि भाई मुझे चाहिए, तो हमने ये चीज़ लगा दी, क्योंकि इसमें मैट में आते हैं अपने। और साथ के साथ ये बात करोगे तो ये भी चीज़ आप चेकआउट करो, विंडो गार्निश कहीं से आपको नहीं लगेगा, आफ्टर मार्केट है, प्रॉपर कंपनी वाली वारंटी के साथ हमने इसको लगाई है। डोर वाइज़र वगैरह अपना देख लो,
पंच की, हमने इसके अंदर जो आपकी रूफ रेल्स होती है वो भी पंच की पियानो ब्लैक फिनिश में लगाई है। तो अपना सारा कुछ इसके अंदर हमने पियानो ब्लैक फिनिश में, अपनी प्रॉपर ओवरऑल किट भी इसके अंदर इंस्टॉल करी है, जो कि आप मिरर पे भी देख रहे हो। तो ये मैट ब्लैक आते हैं, इसको हमने भाई अपना पियानो ब्लैक करके आप देख रहे हो प्रॉपर कंपनी सा लगा दिया। बाकी ऊपर भी आप देख रहे हो तो ये थोड़ी गंजी गंजी सी लगती है, तो इसलिए इसके अंदर रूफ रेल्स भी कस्टमर को चाहिए थी वो भी लगा दी। टेल लाइट का कवर की बात करोगे, टेल लाइट कवर इसके अंदर लगा दिया। आप पीछे से आप लोग चेकआउट करो, अभी भाई स्पॉयलर भी ऐड होगा इसके अंदर, तो स्पॉयलर भी ब्लैक पियानो ब्लैक फिनिश में लगाएंगे, तो वो चीज़ आप देखना। बाकी यहाँ पर आप लुक वगैरह चेकआउट कर लो कैसी कुछ निकल कर आ रही है। ये अपना प्रॉपर टेल लाइट का भी इसके अंदर कवर लगा दिया। नीचे आप बात करोगे बुल गार्ड भी लगा दिया, कि अगर भाई पीछे से कोई मान लो बाइक वगैरह भी टच करे तो गाड़ी पे कोई इम्पैक्ट ना पहुँचे, अपना बुल गार्ड पे इम्पैक्ट पहुँचे सारा कुछ। और इधर साथ के साथ अंदर ले चलो तो अंदर भी आप देखना कैसी कुछ अपनी लुक वगैरह निकल कर आ रही है और क्या कुछ अपना सीन रहेगा पूरा। तो अभी डोर खोल के अंदर से भी पूरी लुक दिखा देता हूँ कि जो हमने चीज़ें इंस्टॉल करी हैं वो क्या क्या चीज़ लगाई हैं। तो सीट कवर इसके अंदर इंस्टॉल करे हैं प्रॉपर, सबसे कम प्राइसिंग में इसके अंदर भी हमने सीट कवर लगाए हैं, जो कि अपना कस्टमर को नॉर्मल ब्लैक और वाइट कलर में चाहिए था, जैसा कि बाइक इंटीरियर से मैच करना था। तो पीछे भी देख लो कोई रिंकल वगैरह नहीं है, बाकी आगे से भी देख लो बकेट फिट अपने सीट कवर रहने वाले, कुशन वगैरह आप साथ के साथ देख सकते हो, फिनिशिंग वगैरह सारी को देख सकते हो। हैंडल कवर अभी इसके अंदर स्टिच हो रहा है, एंड्रॉयड इसके अंदर हमने लगाया 9 inches का। नीचे भाई अभी मैट्स वगैरह डालेंगे, तो वो भी चीज़ आप चेकआउट करना कैसे कुछ अपने मैट्स वगैरह हैं। तो घास वाले इसके अंदर मैट्स डाले हैं, प्रॉपर मैटिंग करी है, तो मैटिंग के बाद अपने यही वाले मैट्स कामयाब रहते हैं, तो हमने इसके अंदर मैटिंग लगा दी है। और नीचे बात करेंगे, ठीक है, तो ये मैटिंग देख लो पूरी, उसके ऊपर हमने ग्रास वाले मैट डाल लिए और साथ के साथ उसका भी आप देख सकते हो। बाकी 9 inches का हमने इसके अंदर एंड्रॉयड लगाया है, तो 9 inches का एंड्रॉयड का भी भाई आप देख लो बिल्कुल लैग ही नहीं है कहीं से भी, आप कैसे भी चलाओ प्रॉपर 9 inches का फ्रेम के साथ H2H विद GPS वगैरह एंड्रॉयड सिस्टम के साथ पूरा लगाया। अभी स्टेयरिंग कवर वगैरह स्टिच हो रहा है, इसमें भी स्माइली पैटर्न में स्टिच हो रहा है, क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी कि भाई मुझे भी स्माइली पैटर्न में दे दो अपना वाइट कलर में। आर्मरेस्ट वगैरह लगाया है लकड़ी वाला, तो ये भाई यूनिवर्सल होता है, किसी भी गाड़ी में आप लगा सकते हो, किसी भी गाड़ी का बनवा सकते हो, ठीक है। तो ये भी चीज़ अपना चीप प्राइस में लग जाती है। इधर से बात करोगे तो पेन ड्राइव वगैरह के स्लॉट भी निकाल दिए, अंदर देखोगे तो ग्लव बॉक्स में भी आप भाई चाहे निकलवा सकते हो, चाहे बाहर चाहो तो वहाँ निकलवा लो। तो प्रॉपर पियानो ब्लैक फिनिश की अंदर भी किट लगाई है, तो ये भी चीज़ आप चेकआउट कर लो कैसी कुछ अपनी लग रही है। ये भी भाई पूरी एज टू एज अपनी जो सीट वो है ना स्टीयरिंग का वो लगा है। बाकी यहाँ पे माइक वगैरह देख लो, तो माइक वगैरह लगा दिया, GPS वगैरह इनबिल्ट इसके अंदर ही हमने इंस्टॉल कर दिया। तो अगर भाई किसी को अनदर स्टेट में भी जैसे सामान चाहिए, आपको कोई सा भी गाड़ी में सामान लगा हुआ पसंद आया, चाहे सीट कवर वगैरह हो, किसी अनदर स्टेट में आपको चाहिए, आप आ नहीं सकते, बिल्कुल आप आके लगवा सकते हो। अब इंटीरियर की लुक चेकआउट करो कैसा कुछ है, स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है, कॉल करके भाई बिल्कुल आप आ सकते हो। कोई सी भी गाड़ी का आपको काम करवाना है बिल्कुल आओ, कोई भी गाड़ी का काम हो जाएगा, रेट लिस्ट लेनी है आप कॉल करो, व्हाट्सएप करो, हमारे पास रेट लिस्ट भी आपको अवेलेबल करा देंगे व्हाट्सएप पे, जैसा आप बोलोगे कोई सी भी गाड़ी की। साथ के साथ बात करोगे अगर आपको भाई अनदर स्टेट में डिलीवरी चाहिए तो डिलीवरी भी अपने पास अवेलेबल है। बाकी यहाँ पर एक बार लुक पूरी हो जान दो स्टीयरिंग कवर रैप, फिर लुक चेकआउट कराऊंगा स्टीयरिंग की कैसे कुछ लुक निकल कर आ रही है। और भाई प्रॉपर एज टू एज अपनी सिलाई हो रही है, 3 पीस में अपना ये स्टीयरिंग कवर आता है और कोई स्टीयरिंग खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्टीयरिंग लगे हुए में ही अपना पूरी जो स्टीयरिंग है वो इंस्टॉल हो जाता है, जो स्टीयरिंग कवर है वो इंस्टॉल हो जाता है। बाकी लुक वगैरह अब कैसी कुछ आ रही है ये चीज़ आप चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पर बात करें तो एक टियागो भी अपने पास आ रखी है, जिसके हम इसके अंदर हम प्रोजेक्टर फॉग लाइट इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि लेज़र वाली रहने वाली है, अपनी प्रॉपर लेज़र टाइप में आती है और रात की रोशनी इसमें दिखाऊंगा कैसी कुछ निकल कर आती है। प्रॉपर रिले के साथ हम इसको लगा रहे हैं, कोई अपनी वायर कटिंग वगैरह नहीं हो रही, रिले के साथ इसको लगाएंगे। यहाँ पर देख लो 3 inches का अपना ये फॉग लैंप आता है, IPH का प्रोजेक्टर होता है जिसकी बात करोगे, इसके अंदर हमने डाली है 120W की LED और प्रॉपर 1 साल की उसकी वारंटी आती है और कपलर टू कपलर सारी चीज़ें इंस्टॉल करी है भाई सबसे बेस्ट प्राइस पे। बॉक्स वगैरह आपको दिखा दूँ तो ये कुछ अपना प्रोजेक्टर का होता है, IPS का जो प्रोजेक्टर होता है ये उसका बॉक्स है। हमारे पास LED का भी आपको बॉक्स दिखाऊं तो 110W जो हमने इसके अंदर LED डाली है ऑटो क्रैंक की, वो भी चीज़ आप चेकआउट कर सकते हो कैसी कुछ भाई उसका रिस्पॉन्स आप रात में देखोगे काफ़ी अच्छा हो जाता है। किसी भाई को अगर सिर्फ प्रोजेक्टर में LED डालनी है आप वो डाल सकते हो, नॉर्मल हेडलाइट में LED डालनी है वो डाल सकते हो, टॉप मॉडल वाली हेडलाइट्स ये प्रोजेक्टर वाली,
वो भी अपने पास अवेलेबल है, वो भी आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई यहाँ पर आप गाड़ी में देख लो, तो सारा कुछ इसमें हो रहा है। अभी हमने इसको भाई जला के पूरा सारी कुछ इसके अंदर टेस्ट कर रहे हैं कि प्रॉपर कैसे कुछ इसकी रोशनी है। अभी दिन में इतनी समझ में नहीं आएगी, पर आप भाई अपना मेरे पैर से ही देख सकते हो कैसी कुछ इसके अंदर रोशनी आ रही है। तो भाई रात में बहुत अच्छी इसकी रोशनी है। तो किसी भाई को होप करता हूँ गाइज आपको वीडियो सही लगी होगी। बाकी भाई वीडियो सही लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। कुछ भी भाई आपको मंगाना है तो भाई कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सामने नंबर फ्लैश कर रहा हूँ। तो भाई बिल्कुल आप रेट लिस्ट वगैरह भी ले सकते हो, किसी अनदर स्टेट में हो आ नहीं सकते तो भाई बिल्कुल सामान वगैरह भी अपना डिलीवर करा सकते हो। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके कुछ भी पूछ लो और भाई सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करो चैनल को।